नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सेंट्रल इंडिया EXPCG। आज मैं आपको बोलना चाहूँगा सबसे पहले जय श्री राम, क्योंकि आज मैं जो ट्रेन बताने वाला हूँ वो हमको लेके जाएगी अयोध्या धाम, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। ये रास्ते को कवर करते हुए ये ट्रेन जाएगी अयोध्या धाम। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक, और ये एकदम नई ट्रेन बनी है। इसका नाम है आस्था स्पेशल। तो स्पेशल ट्रेन है ये, सप्ताह में 2 दिन चलेगी, 2 दिन अप 2 दिन डाउन। और ये ट्रेन शुरू होगी गोंदिया से और छत्तीसगढ़ पूरा कवर करते हुए वो मध्य प्रदेश में शहडोल और कटनी जाएगी, और कटनी सतना होते हुए वो पहुंच जाएगी प्रयागराज, प्रयागराज से सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या जाएगी। तो मैं इसका रूट मैप आपको दिखाऊंगा, और ये रूट मैप जो आपको दिख रहा होगा ये लाल कलर की रूट मैप है, और इसका टाइम टेबल भी बताऊंगा आपको, और ये कौन कौन से दिन चलेगी और क्या इसके बारे में डिटेल्स है सब बताऊंगा विस्तार से। आप ये पूरा चैनल ये एंड तक देखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और ऐसी ही जानकारी आपको लगातार मिलती रहेंगी। हमने बहुत डिटेल में रिसर्च करके ये वेबसाइट बनाया है, और ये यूट्यूब चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैप के थ्रू मिलेगी। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ, सबसे पहले गोंदिया से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं जय श्री राम बोलकर। श्री राम जी की नगरी जाना है हमको अयोध्या धाम। तो गोंदिया से भारत सरकार ने, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ये 24 जनवरी 2024 का है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान श्री राम के, रामलला जी के मूर्ति की, और उसके बाद 2 दिन के अंदर ही ये ट्रेन शुरू हो गई। तो ये बहुत बड़ी सौगात है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, जो माता कौशल्या का जन्म स्थल भी है। तो अगर रामायण के बारे में आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें रामायण के जगह छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे है दंडकारण्य में, वो आप देख सकते हो। मैं उसका लिंक ऊपर आप देख सकते हो, वहां पे क्लिक करके आप जा सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी कहा जाता है, जो मेनली छत्तीसगढ़ में आता है, जिसका जोन है, मेन जोन जो सबसे मेन जगह है वो है बिलासपुर जोन में आता है। तो बिलासपुर जोन को कवर करते हुए तो गोंदिया नागपुर इसी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आप ये ट्रेन का नोटिफिकेशन जो जारी किया उसमें क्या बोला गया कि देर आर टू ट्रेन, ट्रेन नंबर 108213 जो गोंदिया से शुरू होकर और वो जाएगी अयोध्या धाम। तो जी मतलब गोंदिया, AY मतलब अयोध्या धाम। तो ये है 31 तारीख से चालू होगी, 31 जनवरी से शुरू होने वाली है ट्रेन। तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ आपको, 31 जनवरी 2024 से शुरू होकर 25 फरवरी 2024 तक है। तो ये ट्रेन बहुत कम समय के लिए एक ही महीने चलेगी, और वापसी की जो ट्रेन है वो भी ट्रेन नंबर 08214 जो अयोध्या धाम से लेकर गोंदिया आएगी, और इसके बीच में छत्तीसगढ़ के सारे स्टेशंस कवर हो जाएंगे, बिलासपुर से लेकर रायपुर दुर्ग सब कवर हो जाएगा, पेंड्रा रोड भी कवर हो रहा है, भाटापारा भी कवर हो रहा है, डोंगरगढ़ भी कवर हो रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छी सौगात है। और ये वापसी की जो ट्रेन है वो चालू, वो पहली ट्रेन जो आएगी तो 2 तारीख से आएगी, 2 फरवरी 2024 को पहली ट्रेन, और जो अंतिम ट्रेन जो एक महीने तक चलेगी जो, वो 27 फरवरी 2024 तक वापस आएगी। तो ये हो गई सामान्य सी जानकारी। अब समय के बारे में भी जानकारी देंगे, उससे पहले चलिए समय और ये सब के बारे में जानकारी से पहले मैं आपको ट्रेन का मैप दिखा दूं। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कब से कब तक चल रही है। तो ये लेटेस्ट जो टाइमिंग है 2 तारीख, तो ये जो जाने वाली ट्रेन है गोंदिया से जो निकलेगी वो फ्राइडे मतलब शुक्रवार को, और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, ये 2 दिन चलेगी। ये वाली ट्रेन जो है, ये वाली ट्रेन 2 दिन चलेगी। एक मिनट, ये वापसी की ट्रेन है, सॉरी एक मिनट, आपको गलत बता रहा था मैं। तो 24 जनवरी 31 को वेडनेसडे और संडे को जो ट्रेन जो पहली चलेगी, वो वाली ट्रेन वेडनेसडे और संडे वाली जो ट्रेन चलेगी वो जाने वाली ट्रेन है गोंदिया से अयोध्या धाम। और आने वाली ट्रेन है वो है फरवरी 2 से शुरू होगी, वो है शुक्रवार और मंगलवार को चलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2, 6, 9, 13,
16 और 20 और 27, उसके बाद में और भी चलेगी और इधर वाली भी ऐसे ही चलेगी। तो ये डिटेल है। अभी मैं आपको रूट मैप बताता हूँ कि ये जाएगी कैसे। तो सबसे पहले ये गोंदिया से, तो ये इसी बहाने हम छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश जाने वाली रेल लाइन का भी एक बार पूरा सर्वे कर लेंगे अयोध्या धाम जाने तक का। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो एक ट्रेन जो नागपुर से आती है गोंदिया होते हुए दुर्ग के लिए, वो ट्रेन में दुर्ग से पहले जो गोंदिया जो मेजर स्टॉप है वहां से ट्रेन शुरू होगी और दर्रे कसा साले कसा आम गांव होते हुए ये डोंगरगढ़ पहुंचेगी अगला स्टॉप। तो इस बीच के स्टॉप में नहीं रुकेगी आप, उन लोगों के लिए उनको डोंगरगढ़ या गोंदिया जाना पड़ेगा। तो डोंगरगढ़ पहला स्टॉप, दूसरा जो स्टेशन है वो राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद में तीसरा स्टॉप जो रहेगा वो दुर्ग स्टेशन रहेगा, दुर्ग स्टेशन के बाद में ये अगला स्टॉप रहेगा रायपुर स्टेशन। तो इस जगह पे तो रुकना ही है, ये मेन जंक्शन है दोनों। उसके बाद में जो अगला स्टॉप है वो भाटापारा, भाटापारा में, तिल्दा में नहीं रुकेगी ये ट्रेन, तो भाटापारा वालों के लिए ये ट्रेन जाएगी और ये बिलासपुर जंक्शन नहीं जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेन यहीं से ऐसा घूम के चली जाएगी तो बिलासपुर स्टेशन नहीं जाएगी, ये जाएगी उलसापुर स्टेशन। तो बिलासपुर वालों के लिए उलसापुर आना पड़ेगा, लेकिन बिलासपुर उलसापुर उसी के अंतर्गत आता है आप देख सकते हो, तो उलसापुर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो उलसापुर स्टेशन से ये ट्रेन चलेगी और अगला जो स्टॉप आएगा बीच में ये कोटा में नहीं रुकेगी, करगी रोड कोटा में नहीं रुकेगी, और ये फिर अगला जो स्टॉप पड़ेगा वो पेंड्रा रोड पड़ेगा इसका, पेंड्रा रोड में नेक्स्ट स्टॉप में रुकेगी। उसके बाद का जो स्टॉप है वो अनूपपुर जंक्शन पे रुकेगी, अनूपपुर। तो अंबिकापुर वालों को अगर आना है, चिरमिरी अंबिकापुर वालों को आना है, बैकुंठपुर वालों को आना है, तो उनको अनूपपुर तक आना पड़ेगा अयोध्या धाम जाने के लिए। तो आप वैसा कर सकते हो। शहडोल अगला स्टेशन, अब अनूपपुर जो है वो मध्य प्रदेश में आ जाएगा, तो यहाँ तक पेंड्रा रोड तक छत्तीसगढ़ वालों के लिए, और फिर ये बाउंड्री क्रॉस करके ये अनूपपुर चला जाएगा, अनूपपुर मध्य प्रदेश में, शहडोल मध्य प्रदेश में अगला स्टॉप, और उमरिया वालों के लिए भी ये ट्रेन रुकेगी। अगला स्टेशन जो है वो है कटनी जंक्शन स्टेशन, तो कटनी जंक्शन स्टेशन पे ये ट्रेन रुकेगी और यहाँ के दूसरे जो जबलपुर वालों के लिए है वो कटनी से ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो अगला जो स्टेशन इस पे पड़ेगा छत्तीसगढ़ के अंदर वो सतना जंक्शन पड़ेगा। सतना जंक्शन के बाद में ये ट्रेन छत्तीसगढ़ में नहीं रुकेगी, आप देख सकते हो ये जो स्टेशन है छोटे छोटे, ये मध्य प्रदेश में आते हैं और यहाँ पे बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी। तो सबसे लास्ट स्टॉप मध्य प्रदेश में सतना है, सतना के आगे ये आगे चला जाएगा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे वो मानिकपुर जंक्शन पे सबसे पहले ये ट्रेन रुकेगी। मानिकपुर जंक्शन के बाद में, अच्छा इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, तो इसमें एक बीच में ना एक दो स्टेशन है जो मानिकपुर के बाद में वापस से मध्य प्रदेश में, लेकिन ये ट्रेन वहां रुकेगी नहीं। तो दो स्टेशन ऐसे हैं, तो एक है दभौरा बोल के एक स्टेशन है, और एक है मझियारी। ये दोनों एकदम से बाउंड्री पे है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है लेकिन बाउंड्री पे है। ठीक है, चलिए वापस जाते हैं हम लोग मानिकपुर के बाद में। हम मानिकपुर से ये ट्रेन अगला जो स्टेशन है वो रुकेगी शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर, नोट कर लीजिए प्लीज, शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। उसके बाद में ये ट्रेन प्रयागराज तक कहीं नहीं रुकेगी, तो बीच के सारे लोगों के लिए प्रयागराज ही जाना पड़ेगा, प्रयागराज जंक्शन या अलाहाबाद। प्रयागराज से ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ जाएगी और इसके बाद में ये ट्रेन सुपरफास्ट बन जाएगी, मतलब यहाँ कहीं नहीं रुकेगी, ये जाएगी सुल्तानपुर सीधा। तो ये बीच के प्रतापगढ़ और ये सब स्टेशन पे नहीं रुकेगी, जबकि वो मेन स्टेशन है, फिर भी नहीं रुकेगी। और अगला स्टेशन है वो सुल्तानपुर जंक्शन जाएगा। सुल्तानपुर जंक्शन के बाद में ये स्टेशन, ये ट्रेन सीधा भगवान राम जी के दरबार में जाएगा, मतलब ये ट्रेन पहुंच जाएगा अयोध्या धाम, ये कैंट में भी नहीं रुकेगा, अयोध्या कैंट एक स्टेशन है वहां नहीं रुकेगा, सीधा ये पहुंच जाएगा अयोध्या धाम, जो भव्य स्टेशन बन चुका है अगर आपने इसके वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था रिसेंटली। और उसके बाद में हमारे रामलला के द्वार अयोध्या धाम आप पहुंच जाओगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेन है, अयोध्या धाम जंक्शन से आप सीधा सीधा पैदल वॉक करके एकदम से पहुंच सकते हो, इतना पास में है। तो ये इस तरीके से आप देखो कि अयोध्या धाम आपके लिए कितना आसान हो गया पहुंचना छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। तो ये बहुत बड़ी सौगात दी है रेलवे ने छत्तीसगढ़ वासियों को, और इसके लिए सबको बधाई देता हूं मैं।
और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सौगात कैसी लगी, क्योंकि एक महीना आपको इतना शानदार घूमने का मौका मिल रहा है और आप जाके आइए। जाना आना दोनों एकदम आसान कर दिया है अयोध्या धाम की इस ट्रेन ने। तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। चलिए, तो मैं आपको एकदम से फटाफट टाइमिंग एक अपडेट कर दूँ ताकि आपको कोई 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 डिफिकल्टी ना हो आगे पहुंचने में और बुक करने में। आप ट्रेन बुकिंग करके आराम से जा सकते हो। तो जो गोंदिया वाली जो अप ट्रेन है, जो गोंदिया से अयोध्या धाम जाएगी, गोंदिया से वो रवाना होगी 11 बजे, ये सॉरी 10 बजे, 10:05, 10:05, और वो डोंगरगढ़ 11 बजे पहुंचेगी। 10:05 पे गोंदिया से, 1 घंटे बाद डोंगरगढ़ पहुंचेगी। राजनांदगांव 11:25 पे पहुंचेगी। उसके बाद दुर्ग 12:10 पे पहुंचेगी। रायपुर से ये 1 बजे रवाना होगी, तो 1 बजे तक रायपुर पहुंचेगी और 1:05 पे रायपुर से निकल जाएगी, दोपहर के 1:05 को, ठीक है। उसके बाद में भाटापारा से, अच्छा कब कब चलेगी ये 2 दिन हमने बताया था आपको, ये चलेगी बुधवार को और रविवार को। तो दो दिन का टाइमिंग है, बुधवार और रविवार, ठीक है। तो 31 जनवरी से शुरू हो रही है, अभी अभी के अभी बुक कर लीजिए ट्रेन। फिर ये भाटापारा जाएगी, पेंड्रा रोड, रायपुर के बाद भाटापारा 2 बजे पहुंचेगी। उलसापुर ये पहुंचेगी 3:25, दोपहर के 3:25 पे। पेंड्रा रोड ये पहुंचेगी 4:48 को, मतलब 4:50 को छोड़ देगा ट्रेन। अनूपपुर जंक्शन जो है, अनूपपुर जंक्शन ये शाम को 5:35 को पहुंचेगी। उसके बाद में शहडोल जो है, शहडोल वो 6:20, उमरिया 7:42, कटनी जंक्शन ये पहुंचने वाला है रात के 10 बजे, रात के 10 बजे से कटनी जंक्शन। और सतना वालों के लिए थोड़ा लेट है, ये पहुंचेगी रात के 11:40 को। और मानिकपुर वालों के लिए तो एकदम सुबह सुबह है, 3:18 पे ब्रह्म मुहूर्त में आप ये ट्रेन पकड़िए। उसके बाद शंकरगढ़ वालों के लिए 6:10 को ये ट्रेन निकलेगी। प्रयागराज एकदम सुबह सुबह पहुंचेगी, प्रातःकाल 7:10 पे। सुल्तानपुर 9 बजे पहुंचेगी, सुल्तानपुर 9 बजे इसका टाइमिंग समझ लो। और अयोध्या धाम हमको सुबह सुबह 10:35 को हम पहुंच जाएंगे रामलला के द्वार। तो आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं उसके बाद में दिन के दिन, और आप प्लान कर सकते हो इस तरीके से कि आपने आपने ट्रेन पकड़ा रविवार को, सपोज 4 फरवरी को रविवार को आपने ट्रेन पकड़ा, आप 5 तारीख को दूसरे दिन अयोध्या धाम पहुंच जाओगे। तो 5 तारीख को अगर आप अयोध्या धाम पहुंच गए, आप उस दिन दर्शन कीजिए, पूरा अयोध्या घूमिए, और उसके बाद में अगला जो ट्रेन आपको मिल जाएगा 6 तारीख को, 6 तारीख को अगली ट्रेन है। तो रात को आपको रुकना पड़ेगा स्टेशन पे भी रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है अयोध्या धाम जंक्शन पे, आप बुक कर सकते हो IRCTC के थ्रू, और वहां पे रुकने की व्यवस्था है, आप वहां पे बेड है बहुत कम रेट पे, वहां पे वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो पता नहीं वो शुरू हुआ है कि नहीं, लेकिन वो बन तो चुका है। तो मैंने ये एक वीडियो देखा था लल्लन टॉप में, आप उस पे देखिएगा, उन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया है कि वहां पे कैसी डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। तो एक साथ बहुत सारे लोग रुक सकते हैं, तो अगर आप जत्थे में जा रहे हो तो भी आपको रुक सकते हो वहां पे। तो आप 5 तारीख को वहां पहुंचोगे, 5 तारीख को सुबह वहां पहुंचोगे, मंदिर में दर्शन करोगे, और रात को आप रुक जाओ वहां पर, और शाम को और 6 तारीख को उसके अगले दिन, 5 तारीख को आपने दर्शन किया और 6 तारीख को आपको दूसरी ट्रेन आपको वहां से मिल जाएगी अयोध्या धाम से रात को। तो आप दिन भर फिर दूसरे दिन फिर से घूम सकते हो। तो 2 दिन घूमने का बहुत अच्छा है, आपको 1 रात रुकना पड़ेगा वहां पे, और शाम को अयोध्या धाम से लगभग आज 8 बजे, मतलब 7:55 को ट्रेन निकल जाएगी वहां से, और वहां से 7:55 को आप अयोध्या धाम छोड़ोगे। सुल्तानपुर पहुंच जाओगे 9:20 पे, प्रयागराज रात को 10 बजे, 10:30, शंकरगढ़ आप 5 रात को 12 बजे पहुंचोगे, मानिकपुर फिर से सुबह 4:15। तो मानिकपुर वालों के लिए बहुत अच्छा है ब्रह्म मुहूर्त में जाना, ब्रह्म मुहूर्त में आना। सतना वालों के लिए सुबह 5:40 को, कटनी वालों के लिए 7:20 को, उमरिया 8:36, शहडोल 9:45, और आगे आपको बता दूं अब अनूपपुर 10:57। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आएंगे हम लोग, आप दूसरे दिन 12 बजे पेंड्रा रोड पहुंच जाओगे,
उल्सापुर वाले लगभग 2 बजे पर इंटर रोड पहुंच जाएंगे, भाटापार वाले लगभग 3 बजे पहुंच जाएंगे, रायपुर वाले लगभग 4 बजे पहुंच जाएंगे शाम को 4 बजे, दुर्ग वाले 5 बजे शाम को दुर्ग जंक्शन पहुंच जाएंगे, राजनांदगांव वाले 5:30 बजे शाम को पहुंच जाएंगे और डोंगरगढ़ वाले लगभग 6 बजे पहुंच जाएंगे, गोंदिया वाले 7:30 बजे पहुंच जाएंगे। तो 7:30 बजे लगभग 7:30 बजे आपको ट्रेन पकड़नी है शाम को, और दूसरे दिन शाम को 7:30 बजे आप गोंदिया, 24 घंटे में ये ट्रेन आपको पहुंचा देगी गोंदिया, और दुर्ग वाले तो और पहले पहुंच जाएंगे, रायपुर वाले और पहले पहुंच जाएंगे। तो उसी तरीके से जाने का भी वैसा ही है कि आप 10 बजे निकल रहे हो और 10:30 बजे जा रहे हो, पहुंच रहे हो, तो 24 घंटे का रास्ता है। तो इस तरीके से गोंदिया से अयोध्या धाम का ये विवरण था। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करना चाहता हूँ। आप सबको बोलना चाहूँगा जय श्री राम।